आर्टिकल 370 अब इतिहास बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा। 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने आर्टिकल 370 पर फैसला सुनाया। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहत देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं इन सवालों को। संसद को फैसले लेने का अधिकार क्यों नहीं है, ये एक अहम सवाल जो है पूछा गया। दूसरा सवाल ये रहा कि मूल ढांचे को छोड़ बाकी बदलाव कर सकती है संसद, अगर 370 अस्थाई तो संविधान में प्रावधान क्यों नहीं है, ये भी एक अहम सवाल देखिए कोर्ट में पेश हुआ। संविधान के पार्ट 21 में ये क्यों नहीं है आर्टिकल 370, जिस पर को लेकर के यहाँ पर पूरा विवाद है। संविधान सभा नहीं तो 370 हटाने की सिफारिश कौन करेगा। फैसला कुछ यूं आया, अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला बिल्कुल सही है, ऐसा कोर्ट के द्वारा बोला गया। कोर्ट ने आगे कहा कि आर्टिकल 370 हटाने का जो फैसला है वो पूरी तरह से सही है। 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार रहेगा, 370 को हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। राष्ट्रपति के पास 370 पर फैसला लेने का पूर्ण अधिकार है, कोर्ट ने ये भी यहाँ पर पेश किया। राष्ट्रपति के फैसला सवाल की वजह नहीं है। धारा 370 लगाना अस्थाई फैसला था, और ये चीज देखिए यहां पर शाह के द्वारा सत्र में भी इस बात का जिक्र किया गया। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम का पोस्ट सामने आया। 370 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में हमारे भाई बहनों के लिए बड़ा दिन है। अब सुप्रीम कोर्ट ने देश की एकता पर बड़ा फैसला दिया है। पीएम मोदी ने आगे अपने ट्वीट में लिखा, मजबूत और एकता से भरपूर है नया कश्मीर। आज के फैसले से उम्मीद जागती है। तो यहां पर स्पेशल राज्य का जो दर्जा जम्मू कश्मीर के पास वो अब नहीं। शाह के द्वारा एक्स पर पोस्ट किया गया, फैसले से भारत की अखंडता मजबूत होगी। कश्मीर लद्दाख भारत का था और रहेगा, ये मेंशन किया उन्होंने अपने पोस्ट में। आगे कहा जम्मू कश्मीर में शांति के लिए प्रतिबद्ध। हम उससे मुतमईन नहीं हैं, और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है। बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। हियरिंग के दौरान सोलिसिटर जनरल ने अश्योरेंस दिया था, कोर्ट को आश्वासन दिया था कि हम पूर्ण स्टेटहुड दे देंगे जम्मू एंड कश्मीर को। थोड़ा अस्थिर स्थिति होने के वजह से हम आज नहीं दे सकते हैं, लेकिन भविष्य में ये होना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 30 सितंबर अगले साल में 2024 का टाइम लिमिट दिया है कि तब तक आपको ये पूर्ण स्टेटहुड देना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर। आज सभी की निगाहें उच्चतम न्यायालय की तरफ, उस खंडपीठ के उस निर्णय की तरफ, और मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री का उस समय का निर्णय एक मिशन, सरकार का पहल, और 2019 में अगस्त के माह में जो 370 धारा हटाया गया उस पर जो चुनौती थी और वो निर्णय सही था, इस बात को आज पूरी तौर से उच्चतम न्यायालय के खंडपीठ ने उस पर मोहर लगा दिया। और मैं समझता हूं कि सरकार की सोच, देश के प्रधानमंत्री की सोच और देश के लोगों के साथ का ये राय उस पर अंतिम रूप से मोहर लग गया। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि 370 है, लेकिन मैं बुनियादी तौर पे कहता हूं कि इसको ख़त्म करना 5 अगस्त 2019 को ही गलती थी। जल्दी में किया गया था, बहुत जल्दी में किया गया था, और जम्मू कश्मीर के
आवाम से तो कोई पूछ नहीं सकता है इतने आम से, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों से पूछा जा